कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत ही गजब के होते हैं, बहुत ही शानदार होते हैं, लेकिन ब्रांडेड इतने बड़े नहीं होते हैं, मतलब उनके ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी होती है। जैसे कई प्रोडक्ट तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के होते हैं, उनका नाम हर जगह हर किसी को पता होता है, बट कई प्रोडक्ट्स छोटी कंपनी होते हैं तो हर जगह तक पहुंच नहीं पाते, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत ही अलग लेवल की होती है। अब मेरा काम ये है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर पैसे से ज़्यादा की वैल्यू से ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस दे रहा है, उसकी क्वालिटी दे रहा है, तो वो मेरी लिस्ट में शामिल हो जाता है कहीं ना कहीं, मतलब मुझे उसका रिव्यू फिर करना ही करना है। तो मैं आपके सामने ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आता हूँ जो कहीं ना कहीं मुझे लगते हैं कि हाँ ठीक है, ब्रांड वैल्यू नहीं है तो क्या हो गया, प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अच्छी है ना, तो वो वाले प्रोडक्ट्स हमारे लेके आते हैं। तो आज भी एक ऐसा ही प्रोडक्ट लेके आया हूँ मैं जो बहुत ही अलग लेवल का है, मतलब ब्रांड को अगर आप छोड़ दो एक बार के लिए तो इतना बढ़िया वो प्रोडक्ट है और इतने सस्ते में आपको दे देगा वो कि आपको लगेगा कि यार वाकई में इतना सस्ता प्रोडक्ट भी आता है क्या। तो देखते हैं हम वो पूरा प्रोडक्ट इस वीडियो के अंदर। ये है हमारा प्रोडक्ट जो कुछ ऐसा नजर आता है, बैडमिंटन रैकेट है। यहाँ पे के कॉनेक्स कंपनी का नाम लिखा है, कॉनेक्स। अब ये योनेक्स का डुप्लीकेट नहीं है, बिल्कुल अलग कंपनी है, बिल्कुल एक अलग सी प्रोडक्ट है, एक अलग पूरी रजिस्टर्ड कंपनी है जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, सिर्फ बैडमिंटन नहीं, कई सारी रेंज मैंने इसकी देखी जब मैंने सर्च करा इस कंपनी के बारे में। और इस साइड से प्लास्टिक है पूरा, तो मुझे कवर तो इतना खास नहीं लगा, बट हाँ ठीक है, प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो कवर का क्या करना है हमें। तो एक बार कवर को खोल के प्रोडक्ट भी देख लेते हैं कि प्रोडक्ट भी जो मैंने बताया कि वाकई में इतनी क्वालिटी है या नहीं, तो एक बार देख लेते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात, यहाँ पे दो पीस निकलते हैं, मतलब नॉर्मली क्या होता है बड़े ब्रांड्स में एक पीस आता है, चाहे ऑनेक्स, चाहे लिनिंग, चाहे कार्लटन, सब में एक पीस आता है और काफ़ी अच्छी प्राइसिंग होती है उनकी, बट यहाँ पे दो पीस दिए गए हैं, मतलब एक कोई तोड़ भी दे तो सेकेंड काम आ जाएगा कहीं ना कहीं आपके। और यहाँ पे ओवल है, मतलब कोई आइसोमेट्रिक वगैरह शेप नहीं है यहाँ पे ओवल शेप यहाँ पे दी गई है, तो ठीक है आइसोमेट्रिक तो नहीं दी गई है बट ओवल से काम चल जाएगा। लेकिन जो मुझे सबसे बड़ी खास बात लगी वो इसका फ्रेम है, इसका फ्रेम काफ़ी ब्रॉड है, मतलब बिल्कुल पतला फ्रेम या बिल्कुल क्वालिटी हल्की नहीं करी यहाँ पे कॉनेक्स ने, फ्रेम काफ़ी ब्रॉड किया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे टी जॉइंट भी लगाया हुआ है, मतलब जॉइंटलेस फ्रेम यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया गया है, टी जॉइंट के साथ में ये फ्रेम प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे शाफ्ट और इसको जोड़ने के लिए, हेड को जोड़ने के लिए टी जॉइंट बीच में दिया हुआ है। अच्छा, इसका मेटल अगर हम देखें तो स्टील की तो इसकी शाफ्ट है और इसका जो हेड है वो एल्युमिनियम बेस्ड है, एल्युमिनियम स्टील रैकेट है, कोई ग्रेफाइट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया, ग्रेफाइट शाफ्ट या ग्रेफाइट हेड या ग्रेफाइट रैकेट नहीं है ये। और सबसे बड़ी बात, इसका जो टेंशन लेवल है वो 15 से 17 LBS आराम से ले लेगा ये रैकेट, मतलब कोई हल्की क्वालिटी का नहीं है, यहाँ से पता चलता है कि टेंशन लेवल अच्छा ले पा रहा है रैकेट। शाफ्ट छोटी कर दी गई है, हैंडल थोड़ा छोटा कर दिया गया है ताकि रैकेट जूनियर साइज का बन जाए, बच्चे के लिए रैकेट बनाया, बच्चे खेल पाए तो इसलिए रैकेट को थोड़ा छोटा कर दिया गया है यहाँ पे। और हेड बराबर है, मतलब जैसे मुझे क्वालिटी इसकी अच्छी लगी इस रैकेट की ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे हेड का साइज छोटा नहीं किया गया है, जैसे योनेक्स और लीनिंग हेड का साइज छोटा नहीं करते हैं, शाफ्ट छोटा कर देते हैं या हैंडल छोटा कर देते हैं, बट हेड बराबर रखते हैं, वही यहाँ पे कॉनेक्स ने की गई है, मतलब कोशिश सही की गई है। क्योंकि लोकल रैकेट्स में क्या होता है, हेड का साइज छोटा कर दिया जाता है तो फिर वहाँ पे परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं हैम्पर होगी ही होगी, बट यहाँ पे ये ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। कलर भी इसका काफ़ी सही लग रहा है, मतलब यहाँ पे नीचे एक नियॉन टाइप का कलर दे रखा है और ऊपर यहाँ पे ब्लू कलर दे रखा है। मैंने इसमें एक रेड कलर भी देखा था और एक आई थिंक ग्रीनिश टाइप का कुछ कलर था जो इसमें अवेलेबल था, बट मुझे काफ़ी सही लगा ये वाला, तो मैंने फिर ये ही देख लिया लास्ट में। तो अब इस रैकेट की परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि ये रैकेट परफॉर्म अच्छा करता है या कैसा करता है। बेसिकली जो ये रैकेट है वो एक बिगनर प्ले के लिए बना है, तो परफॉर्मेंस भी बिगनर वाली ही होगी। अच्छा, इस रैकेट में ना एक डेमो स्ट्रिंग्स यहाँ पे दे रखी हैं जो पहले से ही यहाँ पे अवेलेबल है, तो डेमो स्ट्रिंग्स के साथ में ये रैकेट बहुत बढ़िया तो परफॉर्म नहीं करेगा, बट ठीक है अगर आप स्ट्रिंग्स चेंज करवाना कहो तो करवा लो इनिशियल के लिए, जिसको नॉर्मल खेलना है, एक बार एकेडमी ज्वाइन कर रहे हो तो डेमो स्ट्रिंग से भी काम चल सकता है, या फिर आउटडोर प्ले करना है, पार्क में खेल रहे हैं तो उसके लिए भी काम चल सकता है। अच्छा, बच्चों का रैकेट है तो बच्चों के रैकेट में क्या है, थोड़ा छोटा हो जाता है यहाँ से, तो ऑब्वियसली हेड साइज छोटा नहीं है, तो ये तो एक परफॉर्मेंस में बढ़िया बात ऐड हो जाती है, लेकिन साथ में ही शाफ्ट छोटी की है क्योंकि बच्चों के लिए रैकेट बनाया है, तो कहीं ना कहीं पावर की कमी तो यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर बच्चे फुल साइज रैकेट से खेलेंगे तो वो रैकेट को नीचे ऊपर कहीं भी मार देंगे इधर उधर, क्योंकि उनसे फुल साइज रैकेट कंट्रोल नहीं होता, तो उसके हिसाब से ये छोटा रैकेट ही उनके हिसाब से सही रहेगा, भले पावर इतनी नहीं दे लेकिन स्टार्टिंग के लिए तो बहुत सही परफॉर्म करेगा ना, तो इसलिए रैकेट मेरे हिसाब से बहुत सही है, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी ठीक ठाक परफॉर्म कर जाएगा, बिगनर रैकेट है, हाई लेवल की परफॉर्मेंस तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ठीक ठाक से परफॉर्मेंस दे देगा, जॉइंट वाला रैकेट है तो जॉइंट वाली ही परफॉर्मेंस देगा, जॉइंटलेस या कार्बन वाली परफॉर्मेंस
नहीं देगा। साथ में जैसे मैंने बताया कि पेयर रैकेट आ रहे हैं, तो पेयर आने के साथ में आपको दो रैकेट मिल जाएंगे, अगर एक का कुछ होता भी है तो दूसरा आप इजीली काम में ले सकते हो। और मेरे हिसाब से ये ऑनलाइन शायद शायद अवेलेबल नहीं है, कहीं ना कहीं आपको लोकल मार्केट पे जाके इसको परचेस करना पड़ेगा। आराम से आपको ये 500 रुपये या 600 रुपये के बीच में मिल जाना चाहिए दो रैकेट्स, मतलब दो रैकेट्स काफ़ी सस्ते हो गए ना, काफ़ी इकोनॉमिकल रेंज में आ गए ना। वैसे योनेक्स में और इनमें जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक ही रैकेट की प्राइस हाई हो जाती है, तो इसलिए मुझे रैकेट काफ़ी सही लगा, इसलिए मैंने इसका रिव्यू करने का सोचा। आप कमेंट में बताइए कि आपको ये रैकेट कैसे लगे हैं, या आप इस पहले ब्रांड के बारे में सुन चुके हैं या नहीं सुन चुके हैं, और आपको रैकेट पसंद आया तो कमेंट जरूर कीजिए, और कमेंट के थोड़ा सा ऊपर सब्सक्राइब का बटन है वो भी क्लिक कर दीजिए।